सांसद राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। यह यात्रा नवंबर के अंत में मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में इंदौर आएगी, जिसको लेकर इंदौर कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक का आयोजन किया और रणनीति बनाई। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा पर खास कवायद, कांग्रेस ने किया बैठक का आयोजन, राहुल गांधी के भव्य स्वागत की तैयारी, दिसंबर में इंदौर आएंगे राहुल गांधी। दिसंबर का पहला या दूसरा सप्ताह इंदौर कांग्रेस कमेटी के लिए काफी खास रहेगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत इंदौर में सांसद राहुल गांधी की आमद होगी। इस आमद को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है और राहुल गांधी की यात्रा की तैयारियों को लेकर एक खास बैठक का आयोजन स्कीम नंबर 140 के बरसाना गार्डन में रखा गया। वहीं आज आयोजित बैठक को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बागलीवाल ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा का इंदौर में भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसमें स्वागत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो केरल से शुरू होकर कन्याकुमारी से शुरू होकर जो कश्मीर जा रही है, वो इंदौर में लगभग दिसंबर के प्रथम सप्ताह या दूसरे सप्ताह में आने वाली है। उसको तैयारी के लेकर आज हमने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता लोग, साथ में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, पार्षद, जीते हुए पार्षद, हारे हुए पार्षद, मोर्चा संगठन, ब्लॉक, सभी लोग, कांग्रेस के वरिष्ठ लोग वहाँ उपस्थित थे। हमारी आज ये शुरुआत है, आरंभिक पहली मीटिंग थी। इस बाकी मीटिंग को देखने के बाद ऐसा लगा कि हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोगों में जबरदस्त उत्साह है और राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकलने जा रही है वो एक ऐतिहासिक यात्रा इंदौर शहर में निकलेगी। सारे रिकॉर्ड जो पुराने थे सब तोड़ के जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में भी काफी उत्साह है, जिसको लेकर एक सुर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी और वरिष्ठ नेत्री शोभा ओझा ने कहा कि देश में पनपी भेदभाव की परिस्थिति को मात देने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से काश्मीर तक 3,500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा का उद्देश्य, मैंने अपने उद्बोधन में कहा कि इस भारत की फिजाओं में, हवाओं में नरेंद्र मोदी और आरएसएस जिसके लोगों ने एक ऐसा जहर घोल दिया है, जाति पाति का, धर्म मजहब का, हिंदू मुसलमान का, मंदिर मस्जिद का, आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे? क्या आज़ादी के 75 साल बाद हमने करोड़ों नौजवानों के रोजगार के बारे में, नौकरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? क्या जिसको हम भाषण में अन्नदाता कहते हैं, उस भारत के किसान के हाथ को मजबूत करने की बात नहीं करेंगे? तमाम सारे ऐसे मसले हैं जिन्हें आम जनता के साथ अपने विचारों को जोड़ना, उनके विचारों को ग्रहण करना, ये भारत जोड़ो यात्रा का, राहुल गांधी जी का उद्देश्य। भारत जोड़ो यात्रा को इंदौर शहर के हमारे समन्वयक आदरणीय चिंटू चौकसे जी के नेतृत्व में, आदरणीय शहर कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस तरीके की आज बैठक हुई, जब राहुल जी की यात्रा में 1,00,000 लोग रोज उनके साथ भारत जोड़ने के इस भाव के साथ चल रहे हैं, तो इंदौर शहर भी इसमें पीछे न रहे। ये भावना अपने आप बनी कि कोई कार्यकर्ता हमारा पेम्पलेट लाखों में छपवाने की बात करता है, कोई परिवार का साथी लाखों में रजिस्ट्रेशन हो इसकी बात करता है, कोई परिवार का साथी ये कहता है कि 1,00,000 टी शर्ट में मेरे तरफ से दूंगा, कोई परिवार का साथी ये कहता है कि SMS में मेरे तरफ से लगाऊँ, ये अपने आप में गुस्सा को जागृत करती है। भारत जोड़ने का उद्देश्य क्या है? भारत जोड़ने का उद्देश्य प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भगवान राम, कृष्ण और महावीर का दिखाया हुआ रास्ता, रोजगार से, किसानों की समृद्धि से, आर्थिक जागरूकता से और आम परिवार के लोगों की उन्नति से भारत को जोड़ना है। नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हर तरह की नफरत, घृणा और नकारात्मक विचार देश में लाए हैं, उसके खिलाफ भारत को एक नई जागृति के साथ विश्वगुरु बनाना है। मैं मानता हूँ अपने आप में एक पवित्र उद्देश्य है, पवित्र भाव के साथ प्रेम और प्यार की, मोहब्बत की एक संकल्प है, उन्नति और सरोकार से देश को जोड़ने की बात है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा की सार्थकता इंदौर में ऐतिहासिक होगी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहुत ही जोश में है पूरे देश के कांग्रेस जन, ही नहीं आम जनता भी बड़े जोश में है, तो उसकी तैयारी हेतु आज ये बैठक इंदौर में बुलाई गई थी। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत जोड़ो यात्रा इंदौर उज्जैन इस क्षेत्र से होके गुजरेगी और इंदौर का तो एक इतिहास है, इंदौर
का स्वागत का सम्मान का एक इतिहास है और इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सभी संगठन, चाहे वो एनजीओज हो, चाहे स्पोर्ट्स से संबंध रखते हो, युवा हो, व्यापारिक संगठन हो, सबको जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहुल जी से मिलने का अवसर मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम सब कांग्रेस जन पूरी तरह से तैयार हैं। हम सब कमर कस के इसकी तैयारी करेंगे और जो उद्देश्य को लेके ये यात्रा निकल रही है, जो उद्देश्य राहुल जी के हैं, जो एक सामाजिक सौहार्द आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिया है, जात पात धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा रही है, जहर फैला रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। हर जो हमारा हिंदुस्तान की जो हमारी ताकत है अनेकता में एकता, उसको बनाए रखने के लिए राहुल जी आज सड़कों पे उतरे हैं। बेरोजगारी को लेकर राहुल जी सड़कों पे उतरे हैं, महंगाई के खिलाफ आज सड़कों पे उतरे हैं। ये तमाम उद्देश्यों को जन जन तक हम पहुँचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े, इस और हम लोग प्रयासरत रहेंगे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी, वरिष्ठ नेता राजेश चौकसी, रमेश यादव उस्ताद समेत तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही इस मौके पर सहभोज का आयोजन भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।